अजित पवार यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये. 175 विधायक हमारे साथ जल्दी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. मुझे संजय राउत जी के साथ कुछ बात हुई नहीं. उन्होंने जो स्टेटमेंट निकाला है उसके बारे में कैसे मैजिक फिगर 145 के आगे 175 आती है उसके बारे में वो ही ज्यादा बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता. अगर शिवसेना शरद पवार जी को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव रखती है तो क्या आप लोग मानेंगे प्रस्ताव और शिवसेना के साथ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं लेकिन मैंडेट उनको बीजेपी शिवसेना वालों को मिला है. बीच में ही पवार साहब चीफ मिनिस्टर का सवाल कहाँ उठता है, मुझे तो समझ में नहीं आता. एक कॉर्नर दिख रहा है, आज राहुल साहब बोले थे शरद पवार बहुत सीनियर नेता है और हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं और 175 का आंकड़ा भी उन्होंने गिना दिया, तो क्या किस तरह से जा रहा है ये पूरा संदेश? मुझे नहीं लगता पवार साहब का अभी वो बोले हमेशा बोलते हैं कि मैं अभी कुछ दूसरे लोगों के हाथ में ये सब देना चाहता हूँ, ऐसा हमेशा उनका कहना रहता है. उन्होंने तो बीच में उन्होंने स्टेटमेंट निकाला कि मैं कौन सी भी लोकसभा नहीं लड़ने वाला, इसीलिए उन्होंने लोकसभा अभी भी सातारा का बाय इलेक्शन हुआ उसके बारे में भी उन्होंने क्लियर किया. कुछ हमारे एमएलए ने डिमांड की थी कि पवार साहब आज आप खड़ा रहो, लेकिन वो बोले नहीं. फिर वो श्रीनिवास पाटिल का नाम आ गया. चांस है कि शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी आकर सरकार बनाए? ये देखो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में इसके बारे में कुछ डिसीजन लेना हो तो हमारे नेता पवार साहब ही ले सकते हैं और कांग्रेस के बारे में कुछ डिसीजन इसके बारे में लेना हो तो मैडम ही यानी सोनिया जी गांधी ही ले सकती है. बाकी तो हमें क्या लगता है उसके बारे में हम हमारे लीडर को बताएंगे और वहाँ भी जो कांग्रेस के स्टेट के जो लीडर है वो सभी सोनिया जी को बताएंगे ना. और तुमचा काय मत आहे शिवसेना पाठिंबा के बारे में? हमारे जो भी लीडर डिसीजन लेंगे वो डिसीजन को हम उनके पीछे रहेंगे. पवार साहेब आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वोच्च नेते किंवा काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते, या काँग्रेसचे सर्वोच्च नेत्यांनी काही डिसिजन घ्यावा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु असं काही दुसरी गोष्ट करायचं म्हटलं तर एकटा कुठला पक्ष करू शकत नाही. आघाडीच्या संदर्भातले दोन महत्त्वाच्या पक्षांच्या वरिष्ठांनीच याबद्दलचा निर्णय जर काही करायचं म्हटलं तर घेतला पाहिजे. परंतु त्या दोघांनी पण आपल्याला मॅन्डेट विरोधी पक्षामध्ये बसण्याचा दिलेला आहे, त्याच्यामुळं आपण तीच भूमिका निभावणार आहोत असं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे. अरे आमच्या नेत्यांनी जो निर्णय घेतील तो काँग्रेसच्या लोकांना मॅडमचा निर्णय मान्य राहील, आमच्या नेत्यांनी घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य राहील, आम्ही काही त्यांच्या बाहेर. एक तरफ आप कह रहे हैं कि संजय राऊत साहब की कोई बातचीत नहीं हुई, दूसरी तरफ संजय राऊत जो 175 का आंकड़ा बता रहे हैं, तो क्या बोलते हैं संजय राऊत 175 बता के बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक सुनो, मुझे संजय राउत साहब का मैसेज आया है अभी मैंने देखा, तो उसके बारे में मैं अभी फोन उनको करूंगा. मुझे मालूम नहीं था, मेरी मीटिंग चालू थी तब उनका फोन आया, मैसेज आया है. संजय राउत तुम्हारा मैसेज आला? मैसेज आया, मैसेज में क्या लिखा गया? नमस्कार, जय महाराष्ट्र, मी संजय राऊत. काय असं एवढा मेसेज आहे याचा अर्थ मी फोन करावा तर मी करतो. म्हणजे तुमच्या पण कशा करता फोन काय म्हणजे तेच काम आहे असं कशावरून? ते राज्यसभेचे खासदार आहेत, वेगळी कामं असू शकतात, आम्ही कधी वेगळ्या कामाला पण एकमेकाला विषयी बोलू शकतो. आतापर्यंत मी संजय राऊतांशी ह्या निवडणुकीच्या विधानसभेचा निकाल लागलो त्यावेळेस बोललेलो नाही, परंतु आता मला मेसेज आला आहे. आमची तो मेसेज आला तेव्हा आमची पार्टीची मीटिंग 11 वाजल्यापासून 2 वाजेपर्यंत चालू होती. आता मी त्यांना, ते शेवटी सिनियर आहेत, मी त्यांना फोन करेन. पण संजय राऊत आज म्हणाले आमच्याकडे 175 आमदार आहे आणि तेव्हा त्यांनी तुम्हाला मेसेज केला, याचा अर्थ काय घ्यायचा?
अहो मला काय माहिती, त्यांनी मला मेसेज का केला, मी फोन केल्यावर त्यांना विचारलं ना. नाही नाही मैं खाली आपने एसएमएस क्यों किया है अच्छा घड़ीला क्या बात है सत्ता स्थापना क्या ये फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ है संजय राउत के साथ, ये जो जिस प्रकार के कैलकुलेशन चल रहे हैं उसके बारे में किस लिए उन्होंने मैसेज किया पता नहीं. उन्होंने चुनाव होने के बाद पहली दफा मुझे मैसेज आया है, अभी मैं उनका मैसेज आया तो मैं रिस्पेक्ट करके उनको फोन करूंगा और पूछूंगा क्या खासदार साहब क्या काम है. ओके चला.